गुड इवनिंग एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बिमस्टेक। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ समझेंगे कि बिमस्टेक आखिर होता क्या है। बेसिकली जब कुछ देश आसपास रह रहे होते हैं ना, एक रीजन के देश, तो वो लोग आपस में एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं या कुछ प्रमोट करने के लिए या किसी मेन एम से अपनी एक एसोसिएशन डेवलप करते हैं। वैसे ही साउथ एशिया के जो देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भी कई, तो इन लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन थी सार्क ऑर्गेनाइजेशन। सार्क के बारे में हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ था कि जब से उरी अटैक हुआ तो भारत ने उस ऑर्गेनाइजेशन पे गिव अप कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भारत कुछ प्रमोट करने की कोशिश करता था, कुछ एम, कुछ हासिल करने की कोशिश करता था, तो पाकिस्तान बार बार उसे एक नेगेटिव मोटिवेशन देता था, वो उस चीज़ों को करने ही नहीं देता था। तो इसीलिए भारत को समझ आ गया कि अब बहुत साल हमने दे दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, अब इट्स बेटर कि हम कुछ अच्छा करें अपनी भलाई के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी बिमस्टेक, जो फॉर्म हुई थी 1997 में। तो भारत ने सोचा, जब वहाँ से भारत को कुछ नहीं हासिल हुआ, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम बिमस्टेक पे एक बार अपनी एनर्जी डाल के देखें, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो बिमस्टेक बनी 1997 में। इसकी 7 मेंबर कंट्रीज हैं: इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ एम्स भी होते हैं, तो इसका एम क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, मींस जो आसपास के हैं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक देशों को, ना कि लेट डाउन करें कि कभी हम उन पे जीत हासिल, ऐसा कुछ नहीं, कि हम एक दूसरे को हर चीज़ में सपोर्ट दें। थर्ड, रीजनल ग्रोथ। अब आपको पता दिख ही रहा है कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये सारे बिल्कुल एक आसपास एक रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश और साउथ एशिया के 5 देश। और जब ये 7 कंट्रीज मिल रही हैं, तो ये कोशिश कर रही है कि हम कुछ अच्छा करें, अपने जो रीजन है उसको डेवलप करें। यानी जैसे कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट तो काफ़ी अनडेवलप्ड एरिया हमारा, कि वहाँ पर अभी भी उस हिसाब से सेवाएँ अवेलेबल नहीं है, तो उसी तरीके से एक रीजनल ग्रोथ का ये लोग एम लेके चले। इसके अलावा प्रॉफिट मेकिंग, ऑब्वियसली कि हम इकोनॉमी को सपोर्ट करें, हम थोड़ा प्रॉफिट प्रोवाइड करें एक दूसरे के थ्रू। इसके अलावा फ्री ट्रेड, ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड है, कि फ्री ट्रेड पॉसिबल हो सके इन कंट्रीज में आपस में, और वो लोग प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके कुछ रीजन ये हैं कि जब ये 7 कंट्रीज आपस में मिलती है ना, तो ये 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, कि पूरे वर्ल्ड के 21% लोगों के बराबर है। तो ऑब्वियसली 21% जान है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका अर्ली नेम बिमस्टेक था। बिमस्टेक यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब इसका नाम क्या है? बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। मतलब ऐसे करके इन लोगों ने ये नाम यहाँ तक कैसे कन्वर्ट करा, क्योंकि सेम ईयर में म्यांमार ऐड हो गया। अब यहाँ पे म्यांमार एम, तो फिर उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान। अब देशों को लगा कि हम किस कैसे एक एक चीज़ का फर्स्ट सरनेम ऐड करें, तो इट्स बेटर कि हम इसका नाम ही बदल देते हैं, नाम की डेफिनेशन ही बदल दी। अब जैसे यहाँ पे नाम की डेफिनेशन, मतलब पूरा उसको चेंज कर दिया, अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब जब सार्क से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट बिमस्टेक से हमें कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ तो एम हमारे इनमें से अचीव हो सके। बट एम सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि ये 1997 में बना था, ठीक है, 22 से 23 साल हो गए, अभी तक इसकी सिर्फ 4 बारी मीटिंग्स हुई है, 4 बारी समिट्स हुए हैं। तो उसमें क्या ही देश के राष्ट्रपति, टाइम बीतता गया, गवर्नमेंट बीतती गई, आपस में सरकारें बदली, तो वो कैसे कोऑपरेशन कर पाएंगे, मतलब कैसे वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो इसीलिए अभी तक सिर्फ 4 समिट्स, मतलब कैसे पॉसिबल होगा, एक अंडरस्टैंडिंग कैसे बैठेगी। सेकेंड हमारे पास ये इग्नोरेंस, कभी अगर हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो सामने वाली कंट्रीज इग्नोर कर देती है, क्योंकि उनके पास हो सकता है बिमस्टेक से अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। सेम विद मल्टी फोकस एरिया। अब मल्टी फोकस एरिया में भी क्या कि हम बे ऑफ बंगाल में फिशरीज प्रमोट करें, फ्री ट्रेड प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी प्रमोट करें, इकोनॉमिक सपोर्ट करें, मतलब क्या क्या एक साथ आप एक ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव लेके चल सकते हो। तो यही बात है कि इतने ज़्यादा एम्स होने की वजह से, यहाँ पे तो मैंने बहुत कम एम्स लिखे हैं, भर भर के एम्स हैं।
तो उतना ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन पे या एक एसोसिएशन, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग वर्ड यहाँ पे बोलना गलत होगा, एक एसोसिएशन पे इतना कुछ पुट ऑन करना, तो वो वर्क कैसे करेगी, वो फंक्शन कैसे करेगी। तो इसीलिए बिम्सटेक में अभी कोशिश की जा रही है थोड़ा एक्टिव होने की। रेस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जरूर भारत को कुछ फ़ायदा हो। इसी के साथ हम मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।